हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार। आज की इस वीडियो में सॉलिड के मॉडलिंग के अंदर अगर जो ओडी के ऊपर ग्रूव एंगल में हो तो हम उसकी मशीनिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी एंगल ग्रूव के बारे में। तो पहले एक पार्ट लेते हैं जिसमें हमारा ओडी के ऊपर एंगल में ग्रूविंग हो। ओपन टर्निंग का एक पार्ट है, इसमें मैं इसको कट सेक्शन में करके दिखाता हूँ आपको। ये एंगल में ग्रूविंग है, हम इसकी ग्रूविंग करेंगे सॉलिड कैम टर्निंग में से। इसको ऑफ करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं सॉलिड कैम के अंदर न्यू टर्निंग। ओके, यहाँ पे मशीन है हमारा ओकोमल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस। यहाँ से इसको अपोजिट करेंगे तो इधर आएगा, ओरिजिनल में इधर आएगा। उसको ओके, तो यहाँ से हम स्टॉक डिफाइन करते हैं। स्टॉक में हम सिलेंडर लेंगे, डायरेक्ट ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे हम 0-0 रखेंगे क्योंकि हमें केवल ग्रूविंग करना है। अभी आप देख रहे हैं इस डायरेक्ट के ऊपर मटेरियल तो 0 हो गया, इस फेस के ऊपर भी 0 है, लेकिन इस डायरेक्ट के ऊपर मटेरियल है। हम इसको टर्निंग से निकालेंगे पहले और उसके बाद हम इसमें ग्रूविंग करेंगे। इसको यहाँ से शो करते हैं, तो ये हमारा स्टॉक है इस तरह का। यहाँ से ओके कर देते हैं। एक बार और ओके, हमारा चार चीज डिफाइन हो गया, मशीन, टारगेट, स्टॉक और कोऑर्डिनेट। और हम सॉलिड कैम टर्निंग के अंदर आएंगे, यहाँ से सॉलिड कैम टर्निंग, यहाँ से हम टर्निंग ऑपरेशन लेंगे और न्यू ज्योमेट्री हम यहाँ से बाद में जॉब को हाइड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ओके ओके, टूल सेलेक्ट, ऐड टर्निंग टूल, एक्सटर्नल टर्निंग, यहाँ से हम इंसर्ट ले लेंगे CNMG 16-04-08। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट राइट हम देखेंगे और माउंटिंग, ये माउंटिंग है हमारा इस तरह से। उसके बाद ओके, यहाँ से डाटा में जाके आप फीड आरपीएम इसके डाल सकते हैं। आप लेवल टेक्नोलॉजी के अंदर हम रफ के अंदर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से रफ लेंगे, सॉरी रफ, और रफ के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन 2 mm, और यहाँ से रिटेक्ट अमाउंट एक्स में फिनिशिंग अलाउंस 0.2 और जेड में 0.1। यहाँ से सेमी फिनिश करना है नहीं करना है, सेमी फिनिश नहीं करना है हमें, केवल फिनिश करना है, तो ISO टर्निंग मेथड में हम फिनिश कर देंगे। और उसके बाद स्ट्रेटजी, यहाँ पे हम नॉन डिसेंडिंग मोशन इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, ये हमारा टर्निंग का ऑपरेशन हो गया। आप देख रहे हैं कि हमने ज्योमेट्री यहाँ तक लिया था, लेकिन ये हमारा टूल पाथ यहीं तक बन रहा है क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल नहीं है, इस डाई के ऊपर मटेरियल है। ओके, अब हम इसको हाइड करते हैं टूल पाथ को। अब हम एंगल ग्रूविंग में आते हैं, यहाँ से हम लेते हैं एंगल ग्रूविंग। उसके बाद हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा है और सेलेक्ट, यहाँ से ऐड टर्निंग टूल, एक्सटर्नल ग्रूविंग। अब जितने mm का आपका इंसर्ट है जैसा भी है वो यहाँ पे डालना है। ए में हमारे हम इसकी वेट डालते हैं, 3 mm का इंसर्ट है मेरे पास। उसके बाद इसकी एच है,
15 हम देते हैं। इसका जो W यानी पीछे का हम 2.7 करते हैं, और LA ये जो आगे का इंसर्ट कितना निकला हुआ है होल्डर से बाहर वो है, इसको 6 ही रहने देते हैं, और 0.2 का रेडियस और इसकी 6 mm थिकनेस। उसके बाद हम यहाँ पे माउंटिंग में जाएंगे। मेन यहाँ पे माउंटिंग है इसके एंगल ग्रुप में। आपको पहले देखना होगा कि हमारा जो माउंटिंग है, हमारा ग्रुप का एंगल है वो कितना है। इसमें हमारा 45 डिग्री का एंगल है ग्रुप में, आपको दिखाते हैं। देखिए 45 डिग्री एंगल में ग्रुप, हम ऐसे इसको क्लोज करते हैं। तो जितने एंगल में हमारा ग्रुप हो हमें उतने यहाँ माउंटिंग में देना होता है। हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे टूल को। हमारा टूल लेफ्ट है राइट है वो देखना है। यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं, सैंक में जाके यहाँ से लेफ्ट। अब हम माउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से लेफ्ट करेंगे इसको, लेफ्ट में आ गया। और उसके बाद हमें 45 डिग्री का एंगल है तो हमें 45 डिग्री यहाँ पे देना है, -45। अब देख रहे हैं 45। तो आप सोच रहे हैं कि मशीन में इस तरह से कैसे बांध सकते हैं, तो स्पेशल टूल आता है जो कि पीछे से तो सीधा रहेगा लेकिन उसका जो हेड रहेगा वो टिल्ड होता है। तो स्पेशल टूल बनवा के आप जितना भी एंगल हो और जितने का ग्रूव हो एंगल हो वहाँ पे एंगल डालना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए हमारा टूल यहाँ से हम एंगल में आएगा। ओके करते हैं। यहाँ पर टूल दिखा रहा है एंगल में। उसके बाद लेवल में कुछ नहीं करना, टेक्नोलॉजी के अंदर रफ, और रफ के अंदर हम यहाँ पे आते हैं सिंगल स्टेप ओवर 1, हम यहाँ पे स्टेप ओवर 2 देते हैं। और यहाँ पे हमें ओडी पे करना है, आईडी पे करना है, ये हमें दिखाएगा। सेमी फिनिश करना है नहीं करना है, नो हमें फिनिश करना है तो हम डाउन ओनली लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम सेव एंड कैलकुलेट, देखिए टूल पाथ बन चुका है हमारा। इसको हम राइट क्लिक सिमुलेट करते हैं, यहाँ से टर्निंग और सिमुलेट। अभी देख रहे हैं हमारा टूल नीचे तक नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है कि हमारा सैंक जो है वो फॉल कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको टूल में जाके दोबारा राइट क्लिक एडिट टूल सेलेक्ट, और यहाँ पे सैंक में आने के बाद हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। जो एन है इसकी हम 35 mm देते हैं, क्योंकि हमारे उसी हिसाब से इसकी लेंथ भी होनी चाहिए जितना हमारा ग्रूव है डेप्थ में। इसको सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, टर्निंग, इस तरह से बना चुका। हम इसकी जॉज को हाइड करना है तो हम इसको यहाँ से एग्जिट होंगे, सेटअप पे राइट क्लिक करेंगे एडिट, और यहाँ से क्लैंपिंग फिक्चर के अंदर इसको नन रखेंगे। ये जॉ हाइड हो गया। अभी हमारा कॉलम में मशीनिंग कर रहा है तो हमें चाहते हैं कि हमें एक बार में इतना डेप्थ ना जाके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक एडिट टेक्नोलॉजी के अंदर रफ, यहाँ पे हम लेंगे कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे स्टेप डाउन पूछ रहे हैं हम। 2 mm का प्लंजिंग होगा हमारा, और 2 mm स्टेप ओवर, और यहाँ पे हमारा रहेगा रो। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट करते हैं टर्निंग, और यहाँ पे हम देखते हैं इसको प्ले करते हैं। देखिए इस तरह से मशीनिंग करेगा। इसको हम सॉलिड वेरीफाई में चेक करते हैं कहीं कोई मटेरियल छोड़ रहा है क्या। वो
इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें फॉल कर रहा है हमारा पीछे का होल्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल सेलेक्ट, इंसर्ट को हम थोड़ा और बाहर निकालेंगे, यहाँ पे एल को, एल ए को हम यहाँ पे 8 mm करेंगे, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, अब सॉलिड वेरीफाई, यहाँ पे हम प्ले कर देंगे। अब बिल्कुल भी कहीं हम स्लो करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर मटेरियल चेक करते हैं, बिल्कुल 0 और 0.1 यानी 10 μm के अंदर टॉलरेंस दिखा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एंगल ग्रूविंग का टूल पाथ बनाते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।